दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोगों को मैं 22 साल पुराना एम्पलीफायर को रिव्यू और साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसका परफॉर्मेंस कैसा है आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा सब कुछ। अभी आप लोग देख सकते हैं, ये पुराने वाला कैसेट वाला एम्पलीफायर है। यहाँ पर कैसेट लगाता था पहले, लेकिन अब ये कोई काम का नहीं है। ये यूनिसॉन कंपनी का एम्पलीफायर है। इसका मॉडल नंबर UPA750 है। ये एम्पलीफायर आहूजा ब्रांड का ही 75 वाट वाला एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर। लेकिन इस एम्पलीफायर में यहाँ पर यूनिसॉन कंपनी का लोगो दिया है। अब इस एम्पलीफायर में आप लोग देख सकते हैं, सार माइक का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर माइक भी यूज़ कर सकते हैं। इस माइक को कंट्रोल करने के लिए नीचे यहाँ पर सार वॉल्यूम दिया गया है। सारों माइक का सार वॉल्यूम है और ऊपर में एक मेन वॉल्यूम है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये मास्टर वाला वॉल्यूम मेन है और किनारे में ये बेस्ट्रिबिल वाला वॉल्यूम है। और इस एम्पलीफायर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आक्स मोड भी दिया गया है। यहाँ पर ये आक्स जैक लगा सकते हैं, जो इको मिक्सर को सीरीज करने के लिए यहाँ पर काम आता है। और उसके बाद इस एम्पलीफायर में ये पावर का बटन है। ऊपर में ये पावर का लाइट है और ये लेवल का लाइट है। अब मैं इस एम्पलीफायर को उल्टा करके आप लोगों को दिखा दूंगा पीछे की तरफ, पीछे क्या क्या फीचर दिया गया है। अभी आप लोग देख सकते हैं पीछे की तरफ इस एम्पलीफायर में। इस एम्पलीफायर में आप लोग देख सकते हैं डीसी 12 वोल्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर कार बैटरी से भी इस एम्पलीफायर को चला सकते हैं यहाँ पर। और किनारे में ये 2 एम्पियर का फ्यूज देख सकते हैं पावर सप्लाई का। और उसके बाद यहाँ पर 100 वाट का यूनिट चला सकता है, ड्राइवर यूनिट। और उसके बाद यहाँ पर स्पीकर के कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आउटपुट दिया गया है 4, 8 और 16 ओम का। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है आहूजा एंटरप्राइज। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो होल है यहाँ से साउंड को आउटपुट करके दूसरे एम्पलीफायर को सीरीज करके चला सकते हैं। और ये वाला जो स्क्रू आप लोग, यहाँ पर अर्थिंग का तार यूज कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर में पीछे की तरफ ये 2 ट्रांजिस्टर लगा है साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए, और एल्युमिनियम का हीटिंग है। अब इस एम्पलीफायर का साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये एम्पलीफायर बहुत पुराना हो गया है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस कैसा है आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा। ये मेरा स्पीकर देख सकते हो आप लोग, ये 100 वाट का स्पीकर है। इसी स्पीकर से आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। अब इस स्पीकर का ये जो 2 तार है, इस दोनों तार को इस एम्पलीफायर के साथ जोड़ना होगा, कनेक्शन करना होगा। कहाँ कनेक्शन करना होगा आप लोग ध्यान से देखना। इस एम्पलीफायर के पीछे में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आउटपुट के लिए जो यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है कॉमन 4, 8 और 16 ओम का, यहाँ पर इस स्पीकर की दोनों पॉजिटिव निगेटिव को यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। ये जो निगेटिव वाला है इसको यहाँ पर कॉमन में कनेक्शन करना होगा और दूसरे को यहाँ पर 8 ओम के यहाँ पर कनेक्शन करना होगा, क्योंकि ये स्पीकर 8 ओम का है, इसलिए स्पीकर को यहाँ पर 8 ओम में कनेक्शन करना होगा। और मैं यहाँ पर दोनों तार को यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोनों तार को मैंने कनेक्शन कर लिया है। इस एम्पलीफायर को 12 वोल्ट बैटरी से चलाने के लिए यहाँ पर तार यूज़ करना होगा आप लोगों को। अब इस एम्पलीफायर को आप लोगों को चला के दिखाऊंगा साउंड टेस्ट करके। अब इस एम्पलीफायर को फिर से उल्टा कर लेते हैं। अब मैं इसको उल्टा कर लूँगा, अभी आप लोगों को इसको चला के दिखाऊँगा। अभी इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए एक मोबाइल की ज़रूरत होगी। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये मोबाइल, इस मोबाइल से मैं इस एम्पलीफायर को चलाऊंगा। और उसके बाद ये एक्स केबल देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3.5 mm का जैक, और उसके बाद ये, और ये दूसरा वाला TRS पिन है। अब इस पिन को यहाँ पर कनेक्शन करना होगा इस जैक केबल को इस एम्पलीफायर के साथ। पहले इसका पावर केबल को यहाँ पर बोर्ड में लगा देते हैं, पावर सप्लाई दे देते हैं पहले यहाँ पर 200 वोल्ट AC में यहाँ पर। अब इसको पावर सप्लाई दे दिया, आप लोग देख सकते हैं इस एम्पलीफायर का लाल लाइट जल गया है यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं ये लाल लाइट जल गया है, तो ये पावर ऑन हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर इस केबल को लगा देना होगा, ये एक्स वाले केबल को। अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो एक्स वाला केबल है, इस केबल को यहाँ पर लगाना होगा। ये यहाँ पर लिखा है ये एक्स, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। और उसके बाद ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इसका एक्स का कंट्रोलर वॉल्यूम है। और उसके बाद ये जो स्विच देख रहे हैं आप लोग, इस स्विच को यहाँ पर एक्स मोड में रखना है। अब मैं इसको बजा के दिखाऊंगा, मोबाइल में लगा देते हैं इस एक्स केबल को यहाँ पर। और इस मोबाइल में एक म्यूजिक को प्ले कर देना होगा। अभी मैं एक म्यूज़िक को प्ले कर दिया हुआ, आप लोग सुन सकते हैं इस एम्पलीफायर का साउंड। अब ये स्पीकर का साउंड सुन सकते हैं। अब इस एम्पलीफायर को सीधा कर लेते हैं पहले आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी आप लोग देख सकते हैं ये स्पीकर का पर्दा बहुत हिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं स्पीकर का पर्दा बहुत हिल रहा है। थोड़ा बेस को बढ़ा दिया हूँ मैंने, आप लोग देख सकते हैं ये कागज़ का टुकड़ा भी हिल रहा है। अब मैं वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा हिल रहा है। अब मैं बेस को कम कर दिया हूँ, ये हिल नहीं रहा है। और उसके बाद फिर से बेस को बढ़ा दिया हूँ, ये पूरा हिल रहा है फिर से। ये एम्पलीफायर का साउंड बहुत ही बढ़िया है। अभी आप लोगों को स्पीकर को पास से दिखा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये स्पीकर का पर्दा देख सकते हैं आप लोग कैसे हिल रहा है। अब मैं वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा लिया हूँ, आप लोग सुन सकते हैं इसका साउंड। इस एम्पलीफायर का साउंड 20 साल के बाद भी आज भी बहुत बढ़िया चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसका पर्दा कैसे हिल रहा है। अब मैं स्पीकर को यहाँ पर रख देता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं ये स्पीकर एक जगह पर खड़ा नहीं रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये स्पीकर पूरा ही हिल रहा है। थोड़ा और साउंड को बढ़ा लेते हैं, आप लोग सुन सकते हैं इसका साउंड थोड़ा मैंने बढ़ा दिया हूँ। अभी आप लोगों को इस एम्पलीफायर को सीधा करके दिखा दिया हूँ।
ये एम्पलीफायर में यहाँ पर देख सकते हैं ये लेवल का लाइट पूरा लाल जल रहा है, तो ये एम्पलीफायर का साउंड पूरा मैंने बढ़ा लिया हूँ। बेस को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, अब इसका बेस को मैंने बढ़ा दिया हूँ, वॉल्यूम को भी बढ़ा दिया हूँ। यहाँ पर फुल लाइट मार रहा है, अब मैं इस एम्पलीफायर को स्टॉप करूँगा, यहाँ पर वॉल्यूम को कम कर दिया है। तो आप लोगों को इस एम्पलीफायर का मैंने परफॉर्मेंस को चेक करके दिखा दिया हूँ, अब आप लोगों को मैं इस एम्पलीफायर को खोल के दिखाऊंगा अंदर में कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगा रहते हैं। अब इसका स्क्रू फटाफट से चारों तरफ से खोल लेते हैं, यहाँ पर भी खोल लेते हैं स्क्रू को। अभी आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ खोल गया है, उसके बाद इस ढक्कन को खोलना होगा। आप लोग देख सकते हैं अंदर यहाँ पर ये पावर सप्लाई के लिए एक बड़े वाला ट्रांसफार्मर है, और उसके बाद इस सर्किट में देख सकते हैं ये काले रंग का 9 डायोड यहाँ पर लगा है जो एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद इस डायोड के किनारे में ये नीले रंग का यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, और किनारे में ये जो छोटे वाला ट्रांसफार्मर देख सकते हैं आप लोग, इस ट्रांसफार्मर से ही इस एम्पलीफायर में करंट आउटपुट होता है और साउंड आउटपुट होता है। और इस एम्पलीफायर के आगे में जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सार माइक का ऑप्शन दिया गया है, इस माइक का तार के कनेक्शन इस सर्किट में लगा है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला सर्किट, इसी सर्किट से ही माइक का साउंड कंट्रोल होता है। यहाँ पर ये जो तार का कनेक्शन देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो ये वॉल्यूम देख सकते हैं ये वाला वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इस सर्किट से कंट्रोल होता है, ये ड्राइवर सर्किट है। आप लोगों को मैंने सारा कनेक्शन दिखा दिया हूँ इस एम्पलीफायर का, और ये ट्रांसफार्मर करंट आउटपुट देता है ये वाला ट्रांसफार्मर। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर प्लीज़ नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना।